रुख कर लेते दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहले सूचीबद्ध मामला सुनेगा और केजरीवाल के मामले की सुनवाई में लगेगा वक्त। ईडी कोर्ट में भी दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। ईडी मांग सकती है 10 दिनों की कस्टडी। गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन और आपके कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी हुए हैं, तो ईडी 10 दिनों की कस्टडी मांग सकती है। गिरफ्तारी के बाद बड़ी अपडेट आपको बता रहा है, गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करने जा रही है और प्रदर्शनकारी कई गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच अब इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट पहले सूचीबद्ध मामले में सुनेगा और उसके बाद आपको बता दें कि सुनवाई की जाएगी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो कल रात को जहां ईडी मामले में पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अब आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, 3 जजों की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। वहीं ईडी जो है वो 10 दिनों की कस्टडी मांग रही है। तो तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी लगातार हंगामा कर रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही हंगामा जारी है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल हुई है, आपको बता दें शराब नीति आयोग मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। ईडी अब 10 दिनों की कस्टडी भी मांग सकती है। तो शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात मुख्यमंत्री निवास से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने 10वां समन देने आई थी और गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर ले गई। भैया बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपके जो प्रदर्शनकारी हैं वो धरना देकर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वही कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसी